सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बहुत गुरूर था, छत को छत होने पर एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पे क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। दुआ रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती है। आज का पंचांग 7 जून 2020 दिन रविवार, अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, रात 8:56 तक रहेगी। इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र दोपहर 2:11 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:20 से 7:01 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:52 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। तुला राशि 7 जून 2020 दिन रविवार, एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा। आपका अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें। जल्दी ऐसी वित्तीय स्थिति बन सकती है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी। इस समय आपका पूरा ध्यान धन और लाभ पर केंद्रित है। भाग्य आपका साथ दे रहा है और आप स्वयं पर विश्वास रखकर आगे बढ़ें। आज के दिन आपके लिए कुछ अच्छी योजनाओं के साथ आ सकता है। आपको अपने करियर व्यवसाय और जीवन में कुछ नए होने की उम्मीद आज जग सकती है। कुछ नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। नए लोगों से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद होगी। कुछ पुराने मामलों में आपको राहत भी मिल सकती है। समय अच्छा गुजरेगा, दिन आपके अनुकूल है। दिन कुल मिलाकर काफी अच्छा और लाभ देने वाला रह सकता है। नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अच्छा समय है। एग्रेसिव और साहसी बनें। किसी समस्या का हल अचानक दिखाई देगा। भावनात्मक रूप से आपके लिए बहुत अच्छा समय है। पुरानी यादों से मुक्ति मिल सकती है। आप रिश्ते में डर और आशंका महसूस करेंगे। सावधानियां, अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सिर्फ आत्मविश्वास की कमी कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में कोई निवेश ना करें। लव लाइफ की बात करें तो आप काफी संबंधों में अच्छी किस्मत अजमा चुके हैं और अब छोटे छोटे संबंधों से बोर हो चुके हैं। अब आपको अपने निजी दायरे में वापस आ जाना चाहिए, जहाँ कोई झाग भी ना सके। अगर आप किसी संबंध से परेशान हो चुके हैं और इसे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अपनी साथी को इस बारे में बताकर आप छोटा सा ब्रेक तो ले ही सकते हैं। कोई भी निर्णय लेने में जीवन साथी की सलाह अवश्य लें, इससे आपको आत्मबल मिलेगा। प्रेम संबंधों को लेकर भी कुछ विचलित हो सकते हैं, अतः धैर्य बनाए रखें। करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव संबंधित कार्यों को अभी स्थगित रखें। अभी व्यवसाय संबंधित कोई भी निर्णय अलग हो सकता है, जिससे टेंशन भी होगी। आप अपनी क्षमता को दूसरों को आगे बढ़ने में समर्पित करें और चीजों को व्यवस्थित एवं संगठित करें। इसे आप अपनी कठोर मेहनत के बल पर मान्यता और प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। आपके व्यय में वृद्धि हो सकती, इसलिए अपने खर्चों और निवेश को कम करें। सेहत की बात करें तो अच्छा, आपकी सेहत काफी हद तक अच्छी रहेगी और वे तकलीफें जो आप पिछले कई दिनों से महसूस कर रहे थे आज खत्म हो जाएगी। उन तकलीफों के लिए भी सावधानी बरतना आवश्यक है जो आपको आज हो सकता है।
अगर आप इसके प्रति लापरवाह रहेंगे तो ये गंभीर समस्याओं में बदल सकती है। समय पर इसके समाधान के उपाय कर लेने से आप आसानी से इनसे बच सकते हैं। आज का उपाय, आज आप एक पात्र में जल लेकर उसमें फूल डालकर सूर्य देवता को चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।